दोस्तों आज हम आपको महाभारत के उस प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जब दुर्योधन और पांडवों के समक्ष खुला दानवीर कर्ण का असली राज। तो वीडियो पूरी देखिएगा, मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों कर्ण द्वारा युद्ध में अर्जुन को छोड़ दिए जाने के बाद दुर्योधन कर्ण और शकुनी में बहस होती है। कर्ण कहता है कि तुमने मेरी निष्ठा पर संदेह प्रकट किया, तभी तो तुम बार बार सूर्यास्त का रोना रो रहे। तब कर्ण कहता है कि मैं कल फिर से युद्ध करूंगा और कल का युद्ध इतिहास सदा याद रखेगा। उधर द्रौपदी से अर्जुन कहते हैं कि तुम अपने अपमान को बार बार बीच में ना लाओ, यह युद्ध तुम्हारे अपमान से कहीं बड़ा है। द्रौपदी, इस रणभूमि में हम अपने पूर्वजों का लहू बहा रहे हैं, इसलिए अपने केश में लगे लहू को धो डालो। तुम्हारे स्वाभिमान से बड़ा है हस्तिनापुर। तब द्रौपदी कहती है कि अर्थात तुम कर्ण का वध नहीं करोगे। तब अर्जुन कहते हैं कि ये मत समझो। अगले दिन युद्ध में शल्य कर्ण को अर्जुन का भय दिखाता है। तब कर्ण कहते हैं कि आपने अभी मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मद नरेश। फिर अर्जुन और कर्ण दोनों में घमासान युद्ध होता है। फिर कर्ण अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा तोड़ देते हैं। इस तरह से अर्जुन को हसाए देख श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब दिव्यास्त्र का प्रयोग करो पार्थ। अर्जुन दिव्यास्त्र का आह्वान करता है और उसके हाथ में एक अस्त्र आ जाता है। तभी उधर कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में धंस जाता है। अब यह देखकर कर्ण चीखता है, हे महादेव, तुम मेरे रथ के पहिये को धरती में धसा सकते हो, लेकिन मेरे धनुष से चलने वाले ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। यह कहते हुए कर्ण ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है, लेकिन परशुराम के श्राप के चलते उसके हाथ में अस्त्र नहीं है। तब कर्ण रथ से उतरकर भूमि में धसे रथ के पहिये को निकालने का प्रयास करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या देख रहे हो पार्थ? अर्जुन कहते हैं कि मैं रथ पर हूं केशव और वो पैदल है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध में रथ तो टूटते रहते हैं, वो महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? तब अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अंगराज कर्ण ने कब युद्ध के नियमों का पालन किया था पार्थ? वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है। जब इसी कर्ण ने अभिमन्यु के वध में सबका साथ दिया था, तब अभिमन्यु भी पैदल ही था। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित और दुखी होकर प्रत्यंचा चढ़ाकर असहाय कर्ण पर दिव्यास्त्र दान देता है। यह देखकर कर्ण भयभीत हो जाता है। वहीं अभिमन्यु को याद करते हुए अर्जुन तीर छोड़ देता है और तीर सीधा कर्ण की गर्दन को उड़ाकर भूमि में धंस जाता है। इसके बाद रात्रि में दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाकर रोते हुए कहता है, पितामह, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया। पितामह भीष्म कहते हैं कि राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का एक प्रसाद है बस, और उसे राधे ना कहो, वो कौनतेय था। और कर्ण ये जानता था कि वह कौनतेय है, फिर भी वह तुम्हारे पक्ष में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। यह सुनकर दुर्योधन सन्न रह जाता है। दूसरी ओर कुंती अकेली युद्ध भूमि में कर्ण के शव के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव आ जाते हैं। युधिष्ठिर कहता है, माता श्री, हमारे इस प्रधान शत्रु के शव के पास बैठी हुई आप क्यों रो रही हैं? वासुदेव, आप माता श्री को समझाते क्यों नहीं कि क्यों इस शत्रु पर आंसू बहाकर अपने आंसुओं का अपमान कर रही है? ये राधे। तभी कुंती कहती है, ये राधे नहीं है, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र और तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। यह सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन सन्न रह जाते हैं। तब युधिष्ठिर कहता है कि आपके मौन ने हमें ज्येष्ठ भ्राताश्री का हत्यारा बना दिया। आज इस रणभूमि में मैं अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को साक्षी मानकर सारी नारी जाति को यह श्राप देता हूं कि आज के उपरांत वो कभी कोई भेद ना छुपा सकेगी। अब ऐसी एक और उम्मीदवार वीडियो है कि कैसे मिला कर्ण को जीवन दान अर्जुन के हाथों से। यकीन मानिए, जानकर चौंक जाओगे। तो उस वीडियो को अभी क्लिक करके जोड़ देकर, उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली